आज के इस वीडियो में हम डेटर्स, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज में रिकॉर्ड करते हैं एंड फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हो सकता है कि हमारे डेटर में कुछ ऐसे डेटर हो जो फ्यूचर में पैसे देने से मना कर दे, तो इस लॉस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट तैयार करते हैं। प्रोविजन अकाउंट में हम फंड प्रॉफिट और लॉस से जमा करते हैं। प्रोविजन में कितना फंड ट्रांसफर करना है यह डेटर के लॉस के परसेंटेज के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस से फंड पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करते हैं और डेटर में होने वाले लॉस का कंपनसेशन हम पीडीडी से क्लेम करते हैं। बैड डेट हमारा एक्चुअल लॉस को शो करता है एंड प्रोविजन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को शो करता है। पीडीडी निकालने का जो फॉर्मूला है, डेटर इनटू परसेंटेज ऑफ पीडीडी। रिमेंबर, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम पीडीडी का क्लोजिंग बैलेंस निकालने में करते हैं। इस फॉर्मूले के प्रयोग से प्रॉफिट और लॉस से कितना ट्रांसफर करना है इसका पता नहीं लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीडीडी में पिछले साल का कुछ बैलेंस दे रखा हो सकता है या फिर कुछ एडिशनल बैड डेट दे रखा हो सकता है। डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट हम उन डेटर को देते हैं जो टाइम पर अपने पेमेंट कर देते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर निकालते समय हम पीडीडी के क्लोजिंग बैलेंस को डेटर से माइनस कर देते हैं क्योंकि पीडीडी का अमाउंट डेटर के लॉस की पॉसिबिलिटी को शो करता है। डिस्काउंट ऑन डेटर का फॉर्मूला है डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस पीडीडी और जो अमाउंट निकल कर आएगा उसका निकालेंगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। आइए एग्जांपल के थ्रू पीडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर के ट्रीटमेंट को समझते हैं। ऑलवेज रिमेंबर डेटर बैड डेट से जुड़ा है और बैड डेट पीडीडी से जुड़ा है और पीडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़ा है। कभी भी हम डेटर और पीडीडी को आपस में एडजस्ट नहीं करते हैं। नाउ ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स के बैलेंसेस को रिस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नाउ एडजस्टमेंट आइटम को हमें दो बार पोस्ट करना है। हमारे पास रुपीज 2000 का फर्दर बैड डेट दे रखा है तो हम डेटर में रुपीज 2000 को क्रेडिट करेंगे एंड बैड डेट अकाउंट में टू डेटर रुपीज 2000 डेबिट करेंगे। प्रोविजन हमें 5% मेंटेन करना है, इसलिए प्रोविजन का अमाउंट निकालने के लिए हम 1,02,000 से 2000 घटाएंगे और घटे हुए अमाउंट का 1,00,000 का 5% निकालेंगे। हमारा पीडीडी का अमाउंट आएगा रुपीज 5000। नाउ बैड डेट के डेबिट साइड को टोटल करेंगे और टोटल लॉस को पीडीडी से क्रेडिट साइड को बैलेंस कराएंगे। पीडीडी के डेबिट साइड में भी बैड डेट 3400 को लिखेंगे। नाउ बैड डेट रुपीज 3400 एंड बैलेंस सीडी रुपीज 5000 को टोटल करेंगे एंड बैलेंस बीडी 3400 को घटाएंगे। डिफरेंस अमाउंट रुपीज 5000 को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू बैलेंस करेंगे। नाउ इस बैलेंसिंग फिगर को भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में पीडीडी के नाम से लिखेंगे। नाउ आइए अब डिस्काउंट ऑन डेटर निकालते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने के लिए हमें रुपीज 1,02,000 से 2000 माइनस करना है, देन हमें पीडीडी के बैलेंस सीडी रुपीज 5000 को भी माइनस करना है। रिमेंबर रुपीज 5000 को भी हम घटाते हैं क्योंकि यह लॉस की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है।
घटे हुए अमाउंट 95,000 का 2% हम निकालेंगे एंड डिस्काउंट ऑन डेटर में रुपीज 1900 लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर एक्सपेंस है और एडजस्टमेंट आइटम है, इसलिए इसे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में भी लिखेंगे। नाउ डेटर को बैलेंस करेंगे, हमारा बैलेंस निकल कर आएगा 98,100। लास्ट में डेटर के बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड पीडीडी के बैलेंस को डेटर से माइनस करके नेट अमाउंट 93,100 को बाहर करेंगे। नाउ पीडीडी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर को शॉर्टकट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। बैलेंस शीट में डेटर के बैलेंस को इनर कॉलम में लिखेंगे, देन फर्दर बैड डेट को घटाएंगे, घटे हुए अमाउंट पर हम पीडीडी निकालेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने के लिए हम डिस्काउंट नेट ऑफ पीडीडी 2% निकालेंगे और टोटल अमाउंट 93,100 आउटर कॉलम में लिखेंगे। नाउ प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में हम बैड डेट के बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, देन फर्दर बैड डेट को बैड डेट के बैलेंस में ऐड करेंगे, क्लोजिंग पीडीडी जितना मेंटेन करना है उसे भी ऐड करेंगे एंड पिछले साल के पीडीडी के बैलेंस को माइनस करेंगे और नेट अमाउंट को बाहर लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर एक्सपेंस है, इसलिए इसे भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेटर अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिखा है, देन बैड डेट को माइनस किया, पीडीडी को कैलकुलेट किए एंड प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों ही जगह लिखते हैं, देन डिस्काउंट को कैलकुलेट किए, क्योंकि यह एडजस्टमेंट आइटम है इसलिए इसे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस दोनों जगह ट्रांसफर किए। बैड डेट एंड फर्दर बैड डेट को प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं और पीडीडी के ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ ई प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल है या नहीं। Now, कुछ एडिशनल आइटम्स भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तैयार करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ आइटम्स है उसको लिख लेंगे। फर्स्ट वन इज टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज एंड बाय सेल्स। Now, अब एडजस्टमेंट के प्रत्येक आइटम को रीड करेंगे और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 3,250, तो इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा असेट्स होता है। क्योंकि करेंट असेट्स है इसलिए हम कुछ रो खाली छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर एंड लूज टूल, तो सबसे पहले इन तीनों एसेट्स को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। बिल्डिंग और बिल्डिंग का अमाउंट है 7,500। नेक्स्ट हम लिखेंगे फर्नीचर और फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है 640। और नेक्स्ट है लूज टूल्स और लूज टूल्स का बैलेंस है 6,250। अब तीनों पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे
बिल्डिंग पर है 5%, डेप्रिसिएशन 7500 का 5%, अमाउंट आएगा 375, माइनस करेंगे और नेट अमाउंट को बाहर करेंगे 7125। सेम लाइक हम फर्नीचर के साथ करेंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमारे पास है 10%, तो अमाउंट आएगा 64 को माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 576। और लूज टूल्स पर भी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, और लूज टूल्स पे डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है, कोई रेट नहीं दिया है, नेट अमाउंट दे दिया है रीवैल्यूड एट 5000, तो 5000 को हम बाहर लिखेंगे एंड 6250 से जब 5000 को माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा हमारा 1250। इसको माइनस करके दिखा देंगे। नाउ इन तीनों ही डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 375, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 64, और लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन है 1250। सबको ऐड करेंगे और नेट अमाउंट को बाहर करेंगे 1689। नेक्स्ट हमारे पे दे रखा है सैलरी 300 एंड टैक्सेस 120 आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है इस साल का खर्चा इस साल में पे नहीं किए हैं, तो इस साल का खर्चा लेकिन इस साल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इस साल का ही तो है। तो सबसे पहले हम सैलरी देखेंगे कितना दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में सैलरी है 3300 टू सैलरी, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 300 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 300, दोनों को ऐड करेंगे, बैलेंस अमाउंट को बाहर करेंगे 3600। नाउ इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम करंट लायबिलिटी के रूप में भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा करंट लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल पे करना है 300। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेस 120 आउटस्टैंडिंग है, तो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, और अमाउंट है हमारा टैक्स एंड इंश्योरेंस का 1250। आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे 120, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इसलिए लायबिलिटी भी है, आउटस्टैंडिंग टैक्स 120। नेक्स्ट इंश्योरेंस दे रखा है 100 का प्रीपेड है, यानी कि अगले साल का खर्चा आज में पे कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या है, असेट्स है, लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, अगले साल का है, इस साल में पे किए हैं तो इस साल से माइनस करेंगे क्योंकि अगले साल का खर्चा है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 100, माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट को बाहर कर देंगे, अमाउंट आएगा 1270। क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल का खर्चा है इसलिए इसको हम असेट ट्रेड करेंगे, और यह है हमारा करेंट असेट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हमें अगले साल में 100 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है राइट ऑफ अ फर्दर 100 एज बैड डेट एंड पीडीडी इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन संडे डेटर। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास डेटर का बैलेंस दे रखा है 3800, इसको लिखेंगे और हमारे पास फर्दर बैड डेट हो गया 100 का। रिमेंबर ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट दे रखा है 125 का, तो इस बैड डेट को हमें डेटर से नहीं घटाना है क्योंकि ये ऑलरेडी घटाया जा चुका है, ठीक है। तो फर्दर बैड डेट को हम डेटर से घटाएंगे केवल,
माइनस फर्दर बैड डेट। अमाउंट है 100, माइनस कर देंगे और 3800 से 100 घटाएंगे तो अमाउंट आएगा 3700। नाउ 3700 का हम निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। तो 3700 का जब 5% निकालेंगे तो पीडीडी का अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगा 185। इसको भी माइनस करेंगे, नाउ सभी को नेट करेंगे और अमाउंट लिखेंगे 3,515। नाउ आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको लिखते हैं, टू बैड डेट। ट्रायल बैलेंस से बैड डेट दिया है 125 और हमारे पास फर्दर बैड डेट लग गया, इसको भी ऐड कर देंगे, फर्दर बैड डेट 100। अब क्या करेंगे, इस साल हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में मेंटेन किया है 185, इसको क्लोजिंग पीडीडी के रूप में ऐड करेंगे 185। इस साल में बैड डेप्ट हुआ 125 और फर्दर बैड डेप्ट और भी बैड डेप्ट हो गया है 100 का, तो ऐड कर दिए और इस साल हमें पीडीडी में मेंटेन करना है 185, इसको भी ऐड कर दिए। और अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पीडीडी का बैलेंस क्या ट्रायल बैलेंस में भी है, तो क्रेडिट साइड में हमारे पास 200 दे रखा है, यानी कि इस बैलेंस का मतलब है हमारे पास पिछले साल का जो पीडीडी में अमाउंट है वो है 200, ओपनिंग पीडीडी इसको कहते हैं, तो ओपनिंग पीडीडी को माइनस कर देंगे 200। नेट अमाउंट को बाहर करेंगे, अमाउंट आएगा 210। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो स्टेशनरी का बैलेंस हमारे पास दे रखा है 450, लिखेंगे इसको टू स्टेशनरी 450 और ड्राइंग इसमें से हम किए हैं हाफ, तो हाफ हमारा आएगा 225, माइनस करेंगे और बैलेंस को बाहर लिखेंगे, क्योंकि स्टेशनरी का हम स्टेशनरी से हमने ड्राइंग किया है तो अभी कैपिटल से भी माइनस करेंगे। कैपिटल का बैलेंस है 12,500। ड्राइंग को इसमें से माइनस करेंगे और अभी नेट प्रॉफिट आना बाकी है, तो नेट प्रॉफिट के लिए एक लाइन हम एक रो खाली छोड़ देंगे, माइनस ड्राइंग। माइनस का साइन लगाते हैं, अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दे रखे हैं उनको फिल कर लेंगे। तो हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है जो कि हो चुका है, लूज टूल्स हो चुका है, बिल्डिंग्स भी हमारे कंप्लीट हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिल कर लिया हमने, बैड डेब्ट भी फिल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये भी हो चुका है, डेटर्स हो चुका है और क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है 2500, इसको लिखेंगे क्रेडिटर्स 2500। स्टॉक का बैलेंस हमारे पास दिया है ओपनिंग स्टॉक 3460, इसको लिखेंगे परचेज एंड सेल का बैलेंस दे रखा है, तो परचेज का बैलेंस है 5475 और हमारे पास सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न भी दे रखा है। तो आइए सबसे पहले परचेज का बैलेंस लिखते हैं 5475 और सेल्स का बैलेंस लिखेंगे 1500450।
अभी रिटर्न को माइनस करेंगे, 200 का रिटर्न है सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न है हमारा 125, माइनस कर देंगे। नाउ अमाउंट को नेट करेंगे 5,350, और इस साइड हमारा आएगा 15,250। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 2,850, तो बैंक ओडी लिखेंगे 2,850। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न हो गया है, स्टेशनरी हमारा कंप्लीट है, इंटरेस्ट का हमारे पास इंटरेस्ट है 118 का, तो इसको भी लिखेंगे टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा डेबिट साइड में है इसलिए इसे हम एक्सपेंस ट्रेड करेंगे 118। नेक्स्ट है कमीशन, और कमीशन का बैलेंस है 375, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए इसे हम इनकम ट्रेड करेंगे। बाय कमीशन, नाउ कैश इन हैंड का बैलेंस दे रखा है 650, तो कैश को क्या बैलेंस लिखेंगे, कैश इन हैंड 650। टैक्स एंड इंश्योरेंस हो चुका है, और जनरल एक्सपेंस दे रखा है 782, इसको भी लिखेंगे 782। और लास्ट में है सैलरी जो कि हमने फिल कर लिया है, तो सारे आइटम को हमने ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को टैली कराएंगे, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे 15,250 एंड 3,250, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 18,500, और डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे, अगर डेबिट साइड के टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, ठीक है, 8,810। नाउ 18,500 से 8,810 को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आएगा 9,690। दोनों साइड को हम टैली करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 9,690। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, 9,690 एंड 375 को जब हम टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 10,065, एंड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगा 7,894, ठीक है, और 10,065 से 7,894 को माइनस करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा
टू नेट प्रॉफिट 2171। और अभी दोनों को साइड को इक्वल करेंगे 10,065। नाउ इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट 2171, नेट अमाउंट को बाहर करेंगे 14,446। अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 20,216। और सेम लाइक असेट साइड को भी टोटल करेंगे 20,216। दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है।